खबर रीवा से है, जहां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करके पंचायत चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पंचायत चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा नामांकन पत्र दाखिल करने के संबंध में निर्देश दिए। इसके अलावा स्ट्रांग रूम व सामग्री वितरण व्यवस्था का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। आइए सुनते हैं दोनों अधिकारियों ने क्या कहा है। ये सब मीडिया वाले हैं सर, हाँ बढ़िया है। आज यहाँ भ्रमण किया गया, सर क्या उद्देश्य? आज हम लोग जिले के सभी रूरल इलाके में वहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, हम और एसपी साहब, और ये देख रहे हैं कि चूंकि आज नॉमिनेशन का सेकंड लास्ट डे है, कल फिर संडे है और उसके बाद केवल एक दिन शेष है, तो लोगों को नॉमिनेशन भरने में, उनको एनओसी प्राप्त करने में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं हो रही है। जो नॉमिनेशन प्राप्त हो रहे हैं उसको इतनी सावधानी से लिए जाए कि ताकि उनके खारिज होने की कोई संभावना नहीं हो, तो लोगों को मदद करने के निर्देश दिए गए हैं कि उनको एक्सप्लेन करके बताया जाए, कोई अगर चीज़ शेष है तो वो उसके सर्टिफिकेट और जो भी कागज़ है वो उसमें लगा दे। लोगों से यहाँ बातचीत की गई, सभी ने इस पर संतुष्टि व्यक्त किया है कि जो व्यवस्था है वो अच्छा है। समय चरण में नई गढ़ी का चुनाव है तो हम लोग इस हिसाब से भी इसको देखने आए हैं कि सामग्री वितरण वापसी और सारणीकरण का जो काम है वो बहुत अच्छे से हो जाए, उसमें कोई तकलीफ नहीं। सर मतदाताओं के लिए क्या संदेश देना चाहते सर? मतदाताओं के लिए केवल एक ही संदेश है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग पूरी तरीके से करें और चुनाव की जो तिथि है उस तिथि में आप सभी लोग निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने गांव की सरकार आप चुनें।